नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 30A वर्सेस Micro Max N2B का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 30A में 6.48 इंच जबकि N2B में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Narzo 30A में 2.99 इंच जबकि N2B में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 30A में 0.39 इंच जबकि N2B में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 30A में 207 ग्राम्स जबकि N2B में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 30A में 6.5 इंचेस जबकि N2B में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 30A में 81.7% जबकि N2B में 82.63% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 30A में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि N2B में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 30A में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और N2B की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 30A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और N2B में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 30A में Mali-G52MC2 जबकि N2B में Mali-G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 30A में MediaTek Helio G85 और N2B में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 30A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3 GB 4 GB की RAM मिलती है जबकि N2B में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 30A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि N2B में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Narzo 30A में Android V10 क्यूट जबकि N2B में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Narzo 30A में 6000 mAh जबकि N2B में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Narzo 30A में 2 कलर्स जबकि N2B में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Narzo 30A में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ 8,249 रुपीस
4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें इंटू बी की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 30A में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Micromax Into B की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A16K है, दूसरा मोटो E40 है, तीसरा पोको C31 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें पोको M4 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।